हाय गाइस, वेलकम टू माय शौरूषी ब्लॉग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम डिफरेंट चीज। व्हाइट एंड पर्पल दोनों ही कढ़ाई हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोनों हम कंपेयर करके दिखाएंगे आपको, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और समय समय पर नोटिफिकेशन के लिए ऑल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो ये 3 आइटम हमने मंगवाए थे। मैं ऑलरेडी एक ये 3 आइटम दिखा चुकी हूँ पहली वाली वीडियो में। तो मैंने लिड और ये पर्पल कलर की कढ़ाई मंगवाई थी। अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, तो आप फर्स्ट लिंक इसकी ही होगी, तो आप जरूर जाके विजिट करिएगा। तो अभी मैंने जो लास्ट वाला पैकेज रह गया था उसका मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, वंडरशॉप का प्रोडक्ट है, जैसे कि आपको मिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख ही गया होगा हेडिंग डाल के। ये व्हाइट कलर की कढ़ाई है, पर्पल में ऑलरेडी दिखा चुकी थी। सो ये व्हाइट कलर की कढ़ाई है, हमें 26 सेंटीमीटर की मैंने कढ़ाई मंगवाई है वंडरशॉप का। सो इस टाइप से हमें रिसीव हुआ है, एक बड़ा सा बॉक्स मिला है फ्लिपकार्ट का। तो ये प्रोडक्ट हमने व्हाइट कलर की कढ़ाई मंगवाई है। पर्पल कलर की जो आप छोटी सी वीडियो पिक्चर देख रहे होंगे, ये मैंने ऑलरेडी दिखा दी हुई है अपनी वीडियो में, पहली वाली वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। सो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं किस टाइप से हमें कढ़ाई रिसीव हुई है। तो स्लोली स्लोली हम लोग अपना ओपन करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट थोड़ा सा भारी है, साइड से भी हम लोग ओपन कर लेते हैं सीजर से। ओके, तो हमने इस ओपन साइड कर लिया है, दूसरे साइड से भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो एक बॉक्स के अंदर हमें एक और बॉक्स मिला हुआ है। ये इसका इन्होंने साइड पे जो आप देख रहे होगे पेपर वर्क है, वो बिल है इसका, 2 ईयर वारंटी होती है, तो ये कोई बिल हमें मिला हुआ है, साइड पे रखते हैं इसको। तो ये छोटा सा बॉक्स हमें मिला हुआ है। मैंने 26 सेंटीमीटर की मंगवाई थी, पर बॉक्स ये 26 सेंटीमीटर का नहीं है, तो देखते हैं अंदर हमें क्या रिसीव होता है। मंगवाया तो मैंने 26 सेंटीमीटर ही है। सो ये वाइट कलर की कढ़ाई है, बॉक्स से भी आपको पता चल रहा होगा, वंडरशॉप को कुक विथ प्राइड है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा इनके यूज़र्स हैं। और अगर आप सीरियसली ख़रीदना चाहते हैं तो आप वंडरशॉप के कोई भी कुकवेयर, होम कुकवेयर ख़रीद सकते हैं। इनके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, जो मैंने पर्पल वाली वीडियो दिखाई है उससे बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी हम लोग वाइट वाला देखते हैं किस टाइप से वाइट वाला है, सेम है कि नहीं, दोनों हम कंपेयर आपको दिखाने वाले हैं। सो मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस टाइप से हमें दिख रहा है इमेज में किस टाइप से हमारा प्रोडक्ट होगा। सो अगर आप साइड में 3 बॉक्सेस देख रहे होंगे, इस पर लिखा हुआ है इंडक्शन यूज्ड है, हम लोग इंडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, गैस में भी हम लोग इस यूज़ कर सकते हैं इसको बहुत इजीली, कोई हार्म नहीं होगा। और 3.2 लीटर ये कढ़ाई है जो कि 26 सेंटीमीटर है, और ये संजीव कपूर इसका मेनली इंट्रोड्यूस करते हैं। 2 ईयर वारंटी है, रिलायबल वारंटी है इसकी। प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं इनके। तो चलिए हम थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। सो इनके और भी प्रोडक्ट होते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, आप इनसे डायरेक्ट वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ से हमें ओपन करना होगा, उससे पहले हम थोड़ा साइड में देख लेते हैं। साइड में कुछ लिखा हुआ है, हमारी इन्फॉर्मेशन है, मैं वो भी आपको शो करती हूँ। सो इसमें मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इनके 3 साइज़ेस हैं अलग अलग, 20, 24 और 26। आप तीनों साइज़ में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सो साइड में आप देख रहे होंगे ये प्राइस ज़्यादा लिखा हुआ है, बट प्राइस मैं एक्चुअल आपको थोड़ी देर में ही बताने वाली हूँ। इसका प्राइस एक्चुअल अलग अलग डिफरेंट जगह पे मैं बताऊँगी। सो इसमें जो इंस्ट्रक्शन है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो मेन थिंग मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने अगर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, सो ये
जो मैन्युफैक्चरिंग डेज है 2019 है जून, सो ये बहुत ओल्ड था इसलिए मैंने इसको रिटर्न किया हुआ है। और आगे भी कुछ चीज़ें थी, मैं आपको वो भी शो करूँगी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने रिटर्न किया है इसको। सो प्राइस की बात देख ले तो वर्नर शॉप से अगर डायरेक्ट आप लेंगे, इनकी वेबसाइट है, तो 1279 रुपीज़ के। अगर आप इसको फ्लिपकार्ट में बाय करते हैं तो इसका प्राइस है 1189 रुपीज़ है। और अगर अमेजोन में अगर आप पर्पल वाली बाय करते हैं तो 1285 रुपीज़ है। तो मैंने ये पर्पल वाली मैं क्यों रिकमेंड करूँगी, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। सो इसकी देखिए आप मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा थी और जब मैंने मंगवाया था बहुत ही धूल थी ऊपर ही ऊपर, मैंने साफ करके आपको स्क्रीन में दिखाया है। सो मुझे इसलिए लगा कि ये बहुत ओल्ड प्रोडक्ट है, इस वजह से मैंने आप इसको रिटर्न किया था। और पर्पल अगर देखा जाए पर्पल कढ़ाई बहुत ही अच्छी है, मैं आपको दिखाऊंगी क्यों। और अगर देखें तो अमेज़ॉन का प्राइस, तो अमेज़ॉन में ये अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने अमेज़ॉन का नहीं दिखाया। और इनके ये भी और भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होगे गैस का है, हम लोग जूसर्स ख़रीद सकते हैं, और इनका कुकर भी है, और ये हॉटपॉट भी हम लोग इनका ख़रीद सकते हैं। सो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट मैं जो वाइट वाली कढ़ाई है उससे सेटिस्फाई नहीं थी, वो आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा क्यों। सो चलिए ओपन करके देखते हैं, इस टाइप से हमें ओपन कर लेना है इसको। सो यहाँ से हमने इसको ओपन किया है, चलिए निकाल के देखते हैं। सो अगर देखा जाए इस कढ़ाई का वेट जो है बहुत ही कम था, जो पर्पल वाली जो कढ़ाई थी उसका वेट था बहुत हैवी था इससे लिट का। एक्चुअली मैंने हटा के इसका वेट मैं आपको बता रही हूँ, लिट का वेट तो सेम था, जो कांच वाला आप ग्लास देख रहे होंगे उसका सेम ही था, और सेम क्वालिटी भी थी, जो ग्लास का जो है ऊपर वाला इसकी सेम क्वालिटी जो आप पहले वाला देख रहे थे। और इनके जो ग्लास वाला जो इंडक्शन का जो होता है हम लोग रखते हैं लिट, इनकी खास चीज़ ये है कि यहाँ पे हीट जो होती है इनको बिल्कुल भी हार्म नहीं करती है, और बिल्कुल भी जो क्रैक नहीं आते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लास इन्होंने दिया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिया है, और साइड से इन्होंने नोज़ल टाइप दिया हुआ है, यहाँ से आप स्टीम निकाल सकते हैं, स्टीम से भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज ए कुकर भी यूज़ कर सकते हैं आप। सो ये साइड में आप जो देख रहे हो वो स्टील का हुआ है, इन्होंने साइड का जो है स्टील का दिया हुआ है, इसको साइड में हम रख के देखते हैं। सो ये बिल्कुल सेम पर्पल जैसी ही कढ़ाई है, जो ऊपर ने लिड जो दिया था पर्पल जैसा ही। और वारंटी देखे तो इन्हें 2 साल की हमें वारंटी कार्ड दिया हुआ है, सेम उसमें पर्पल वाले में भी 2 ईयर वारंटी ही थी। सो वारंटी में कोई भी इशू नहीं है, दोनों में ये दोनों 2 साल की ही दी हुई है, और पीछे में कोई इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होगा, स्क्रीन में आप देख ही रहे होंगे, पॉज करके आप देख सकते हैं। सो ये इन्होंने कोई एनवलप टाइप दिया हुआ है, सेम जो हमें पर्पल वाली में मिला हुआ था, स्कैन करके हमें कुछ रिसीव होगा, जो कि मैंने नहीं किया है, व्हाट्सएप से कुछ है, आप इस टाइप से रिसीव कर सकते हो स्कैन करके, कुछ ऑफ़र 300 का ऑफ मिलेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। और इनके कुछ प्रोडक्ट हैं जो आप फ्रायर, एयर फ्रायर, इंडक्शन, माइक्रोवेव, ऐसा कुछ आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, टैम्पलेट टाइप इन्होंने दिया हुआ है। तो चलिए हम कढ़ाई को देखते हैं। सो अगर पर्पल वाले में देखें तो हमें ये हुक है जो हमें लगे हुए मिले थे, बट इसमें हमें लगे हुए नहीं मिले थे। सो ये बेसिकली इसलिए है जो आप हीट है जो कढ़ाई को आप अच्छे से पकड़ सकें, हीट आपको नहीं लग सके। सो कढ़ाई का जो मैंने वेट देखा तो पर्पल का थोड़ा हैवी वेट था, प्राइजेस भी क्योंकि पर्पल वाले के थोड़े से ज़्यादा हैं, और इसका पर्पल इस वाइट वाले का नहीं है हैवी। तो अगर टच देखें फिनिशिंग बहुत अच्छी है, एकदम वाइट है, कलर बहुत अच्छा है, बाहर भी हमारा जो है वाइट ही दिया हुआ है, और इनका एक देखिए किस टाइप से डॉटेड लाइन है, वंडर शॉप इनका लोगो भी दिया हुआ है ना अच्छे से प्रिंटेड करके। स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, थिकनेस बहुत अच्छी है इसकी, बट अगर कंपेयर देखा जाए पर्पल वाले के तो इतना नहीं है जितना पर्पल वाले में मैंने गेस किया है। तो ये दिखाते हैं जैसे 6 लेयर है, बट मैं वाइट वाला का श्योर नहीं कर सकती हूँ आपको कि वाइट वाले में 6 लेयर है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने स्क्रैच भी देखा था इनके वाइट वाले में। और देखा जाए तो ये पीछे इनका सेम है, इंडक्शन बेस्ड ही है दोनों,
देखिए क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ, इस टाइप से आपको वाइट जैसा लगेगा, एकदम वाइट है। और पीछे देखिए इंडक्शन वाला है, आप गैस पे भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा, आप इंडक्शन में भी दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो। और जो हमें हुक मिले थे, ये हमें इस टाइप से हुक मिले हुए हैं, चलिए इनको लगा के देखते हैं, खोल के देखते हैं हमें किस टाइप से मिला हुआ है। और जो पर्पल वाला था उसमें ऑलरेडी हमें लगे हुए था, कोई भी हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस टाइप से मैं ओपन कर लेती हूँ, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जो मुझे वीडियो बनाने के बाद मुझे पता चला कि जो उसमें हुक है, एक चीज़ मिसिंग आइटम था, वो मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी। इस टाइप से आपको अगर हुक मिलता है आप फिट कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीन में वो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको ये कुछ मिलेगा, इस टाइप से आपको लगा देना है। अगर आप ऐसे लगाओगे तो नहीं लगने वाला है, इस टाइप से हमें इंस्टॉल नहीं करना है। फर्स्टली मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको, अगर आप इस टाइप से इंस्टॉल करेंगे तो नहीं लगेगा, लूज ही रहेगा। ये जो छोटा सा स्क्रू टाइप दिया है, इस टाइप से हमें फिट करना पड़ेगा। और जो हैंडल है, इस टाइप से आप फिट कर दीजिए। जब मैंने इंस्टॉल किया था, जब मैं वीडियो बना रही थी, तभी मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास एक आइटम मिसिंग है, जो क्योंकि इस टाइप से नहीं लग सकता है, तो यहाँ पे एक स्क्रू भी था, स्क्रू ड्राइवर शायद इन्होंने दिया नहीं मेरे को, इस वजह से मुझे एक आइटम मिस करते हुए इसको रिटर्न करना पड़ा। ठीक है, इंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं होगा अगर बिना आप स्क्रू के इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने रख ही दिया इसको, मैं आपको स्क्रीन में दिखा देती हूँ कैसा लगेगा, बट मैं इसके रिव्यूज़ आपको बिल्कुल बेकार बोलूँगी एज कंपेयर टू पर्पल। ओके, स्क्रीन में मैं आपको दिखाती हूँ इस टाइप से अगर लुक होता है इसका, अगर ये इंस्टॉल हो जाता, लुक बहुत अच्छा है। अगर आप जैसे कि मेरा चैनल है सौरुषि ब्लॉग, मैं कुकिंग का भी बनाती हूँ, अगर आप कुकिंग का बनाते हैं, वाइट वाला जो होता है, अगर बेस वाइट हो तो जो हमारे फूड के जो कलर्स होते हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं। अगर आप नॉर्मल सस्ती देखना चाहते हैं तो आप हाँ डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बट अगर आप डेली यूज़ इसमें देख रहे हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग देख रहे हो, तो मैं उसको इसके लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप नॉर्मल बेसिस में देख रहे हो कि सस्ता हो, नॉर्मल हो, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बट आप एश्योर रहेगा आपको सारे प्रोडक्ट जो जितने भी इंस्टॉल करने का मटेरियल हो आपको मिले। इस टाइप से जो मैंने इंस्टॉल किया, आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी फिट नहीं हुआ, जो मैंने ग्लास भी इसमें फिट किया बिल्कुल भी नहीं फिट हुआ। आप पर्पल वाले में जाकर देखिएगा, ग्लास एकदम फिट हो गया था, बट मैंने इसको भी फिट किया, नहीं फिट हुआ। जो कढ़ाई का बेस है एकदम जो साइड से है ना, वो टेढ़ा था, आई थिंक टिल्ड को मैं आपको स्क्रीन में क्लोज करके भी दिखाती हूँ, एकदम टिल था। अगर मैं इससे दबा रही थी एक साइड से खुल जा रहा था, तो एकदम फिट नहीं था ये ग्लास। तो ये मेरा रिव्यूज़ था इसके वाइट वाले का, अगर आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। मैं तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, विद प्राइस मैं दे दूँगी आपको, पर आई विल रिकमेंडेड दैट आप पर्पल वाला ही ख़रीदें अगर आप थोड़ा सा पैसे लगा रहे हो तो। इस टाइप से हमारा ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, सुंदर बहुत है वाइट कलर का, डेफिनेटली वाइट जो चीज़ होती है बहुत ही सुंदर होती है। मैं आपको एक बार देखिए, मैं इसको एकदम बैड में बोलती हूँ रिव्यूज़ के, मैं इसको 1-2 स्टार देती हूँ उसको। और मैं पर्पल वाला आपको दिखाऊँ, इस टाइप से मैं बॉक्स मिला था, आप पूरी वीडियो जाके उसमें देखिएगा, मैं इसको 5 स्टार देती। सीरियसली इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने खुद ही बाय किया है पर्पल वाला। मैं तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जाके ज़रूर लिखिएगा, और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।